मॉर्निंग क्लास सिक्स। प्रीवियस क्लास हमने क्या किया था, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी उसका हमने क्वेश्चन नंबर वन एंड टू सॉल्व किया था। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थ्री। तो रीड एग्जांपल नंबर थ्री इन पेज नंबर नाइन। ओके, तो रीड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9, 4, 7, 6, 5, 8, 3। इफ द स्मॉल नंबर इज 6,68,73,547, find the greater number। तो आपको ये लिखा है कि दो नंबर्स का आपने डिफरेंस किया तो एक आंसर लिखा है, और अगर उसी में वन नंबर आपका दिया गया ऑलरेडी तो आपको सेकंड नंबर क्या करना है, फाइंड करना। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, एग्जांपल नंबर थ्री वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल नंबर थ्री है, क्या करेंगे आप इसमें। तो आपने दो नंबर लिए, मान लीजिए ए माइनस बी, आपका क्या है आंसर, आंसर क्या है आपका 9, 4, 7, 6, 5, 8, 3। ठीक है, ये आपका क्या है नंबर है। फिर आपने क्या किया, जो आपका स्मॉलर नंबर मान लीजिए ए बी मान लीजिए, क्योंकि स्मॉलर नंबर है तो बी होगा, क्योंकि माइनस किया अपन ने और नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है, तो उसका मतलब ये बी होगा। कितना आ गया 6, 8, 7, 3, 5, 4, 7। ठीक है, ये आपका नंबर। तो अभी देखिए इसमें ग्रेटर नंबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बी की वैल्यू क्या करेंगे इसकी जगह रख देंगे इस इक्वेशन में। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन वन है, तो हम क्या करेंगे बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इज इक्वल टू जो आपका आंसर है वो लिखा। फिर क्या करेंगे, अभी देखिए मैंने बताया था एक बार आपको कि जब कोई भी नंबर को अदर साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे। अभी नेगेटिव है तो हम इसमें क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ऐड करें प्रॉब्लम ना हो। 4, 7, ठीक है, हमने ऐड किया इसको, तो क्या आया देखो 7, 3, 10, 8, 4, 12, +1, 13, 5, 5, 10, +1, 11, 16, 9, +1, 10, 7, 14, +1, 15, 8, 4, 12, +1, 13, 9, 6, 15, +1, 16। तो ये आपका क्या आ गया, नंबर आ गया, जिससे अगर इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल नंबर थ्री था। अब देखिए एग्जांपल नंबर फोर, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द ईयर 2014 वाज 14,69,000, 1,46,93,675। In the following year, the population become 1,80,02,400, find the increase in the population। तो देखो क्या लिखा है कि 2014 में क्या थी population, फिर क्या हुई population, अगले ईयर में क्या हुई, बढ़ गई थोड़ी सी। तो क्या हुआ, अब आपको बताना है कि कितनी इंक्रीज हुई। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। एग्जांपल नंबर फोर यहां लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2014, कितनी है 2014 में देखिए, 1,469,3,675, ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन।
अब फॉलोइंग ईयर मतलब 2015 में क्या हो गई आपकी? देखिए क्या लिखे, 1800 2403, ठीक है, ये आपकी क्या है सिटी की 2015 में। तो क्या इंक्रीमेंट हुआ बताने की, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मतलब क्या करना है आपको, क्या अगर 2015 में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी तो आपको क्या करना होगा, 2015 से 2014 की पॉपुलेशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी 2014-15 की है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2000, ठीक है। तो माइनस करके देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, माइनस किया इसको, देखिए क्या आंसर आएगा, 3 - -5 तो नहीं कर पाएंगे हम, क्या करेंगे बोरो करेंगे। तो बोरो किया तो कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 बचा होगा आपका रिमेन पार्ट, तो 9 से 7 को माइनस किया कितना आएगा, 2। देन यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ से भी एक ले लिया था तो यहाँ क्या बचेगा, 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7। देन यहाँ पर भी आपने एक ले लिया था तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8, और यहाँ पर 9 ही बचा था तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी 9 बचा होगा तो 9 में 6 जाएगा कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना बचा आपका, 7 7 4 गया तो कितना आया, 3, और ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी जो इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन, ये आपकी 2014 में थी, ये 2015, और ये आपका क्या हुआ, इंक्रीमेंट, क्या आपका 2015 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, देखिए आपका सॉल्व करके भी बताया आपको। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, देयर वाज अ स्टॉक ऑफ क्विंटल्स ऑफ वीट इन अ गोडाउन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिस स्टॉक 27,56,744 क्विंटल्स ऑफ वीट वॉज सेंट टू हरियाणा एंड 48,63,108 क्विंटल्स टू पंजाब, हाउ मच इज द बैलेंस स्टॉक नाउ। ये बताएगा कि टोटल आपका बताएगा इतना क्विंटल गोडाउन में है, कुछ पंजाब में भेजा गया और कहाँ भेजा गया, हरियाणा में। तो अब बचा हुआ पार्ट बताना है आपको कि कितना पार्ट बचा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पहले क्या करेंगे, पहले जो आपको भेजा है हरियाणा और पंजाब में वो काउंट करेंगे, वो ऐड करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आप अपने होमवर्क पे, होमवर्क में ट्राई करेंगे ये क्या है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करेंगे, इसमें क्या लिखा है कि अगर कॉस्ट ऑफ स्टील मिलराइज, अभी आप 5th अकेला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कल बताऊंगी आपको, ओके।